दिसंबर की इस कड़कड़ाती सर्दी में जब लोगों का घर से निकलना दुश्वार होता है, तब एक अकेली महिला 1,500 किलोमीटर का सफर तय करने निकल पड़ी, वो भी साइकिल से। 35 साल की इस महिला का नाम माधवी लता है। ये हैदराबाद के विमलवाड़ा गांव की रहने वाली है। हैदराबाद से ये महिला प्रण करके निकली है कि एक दिन दिल्ली पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। मंगलवार को कई राज्यों को पार कर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके माधवी अकेले ही राजस्थान के धौलपुर जिले तक पहुंच गईं। माधवी के साइकिल से दिल्ली की यात्रा की वजह जानकर सारे लोग हैरान हैं। माधवी अपने लिए मोदी से कुछ मांगने नहीं जा रही, बल्कि ये तो देश के मंदिरों और गौ माता की रक्षा सुनिश्चित करवाने और देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर ही प्रधानमंत्री से मिलना चाहती हैं। आपको प्रधानमंत्री जी से क्यों मिलना है? मैं एक बीजेपी कार्यकर्ता, हमारे अधिनायक को मैं 3 विषय में विनती करने को जा रहा था। हिंदू रक्षण, गोरक्षण और मंदिर का रक्षण। हिंदू रक्षण के लिए हिंदू अट्रॉसिटी कानून पार्लियामेंट में डालना चाहिए, और गौमाता की रक्षा के लिए गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना। मंदिर के पैसा, मंदिर को कमाने वाले पैसा और फंडिंग के लिए आती है ना, वो पैसा वो ज़्यादा वेस्ट हो रही है। वो मंदिर वाले पैसा अच्छी तरह से, पूर पीपल है ना, मंदिर आता है वो इतना दूर से बस टिकट बराकर आती है, उनके बाद वो दर्शन का टिकट, कोकोनट का टिकट, अर्चन टिकट, ये ज़्यादा टिकट्स उनके महंगा होती है। वो सब फ्री में देना चाहिए, खाना भी फ्री में देना चाहिए, इसलिए मंदिर वो प्राइवेट करना चाहिए। ये 3 विषय लेकर मैं मोदी जी के मिलने को जा रहा हूँ। माधवी घर से अकेले ही निकली थी। रोजाना माधवी 40 से 50 किलोमीटर तक साइकिल चलाती हैं, और जब थक जाती हैं तो किसी शहर या कस्बे में मंदिर में आराम करती हैं। और अपने खाने पीने के लिए भी माधवी आसपास के लोगों से ही मदद लेती हैं। माधवी बीजेपी की विचारधारा से प्रेरित होकर इसकी सदस्य भी बनी थी। माधवी को भरोसा है कि जो प्रण लेकर वो दिल्ली रवाना हुई हैं, वो एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। प्रधानमंत्री से मिलना इतना का छोटा विषय नहीं, वो बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में जाती तो अपॉइंटमेंट भी नहीं देता है। इसलिए तकलीफ से जाती तो वो मेरा कष्ट को वृद्धा करने को मन नहीं आया उनको। नहीं, कड़ाके की ठंड है इस समय, आप देख रही हैं, साइकिल से सफर कर रही हैं। ठंडे जेर ज़्यादा, रेन सीजन में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे ना, समर में भी नहीं कर सकते थे ना, ठंडे के सीजन थोड़ा बेटर है, वो दोनों से ज़्यादा बेटर है। हैदराबाद की माधवी लता 16 नवंबर को साइकिल से दिल्ली के लिए निकली थी। इन्हें पूरी उम्मीद है कि एक दिन प्रधानमंत्री मोदी से इनकी मुलाकात जरूर होगी और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का इनका सपना भी साकार हो जाएगा। राजस्थान तक के लिए धौलपुर से।